जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और मेरा नाम है राकेश। सबसे पहले ये बताना, ये वाला एक बैकग्राउंड है, ये कैसा लग रहा है। लाइक यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ही है, यहाँ पे एक और यहाँ पर लाइनें दिखाई दे रही होंगी। कितना गंदा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताना। तो आज स्पेशल क्या भाई, आज स्पेशल सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पर आपको ना बहुत ही ज्यादा क्लियर सीधा मेंटोस खा के इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, जिसमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो। अगर मैं ऐसे 5 वीडियो दूं कोई सेंस नहीं बनता सीधा सीधा बताने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन पे बात कर चुका हूँ। जैसे पिक्सल 4a हो, चाहे नोड हो, चाहे A71 हो, बहुत ही ज्यादा क्लियर सा बात करने वाला हूँ आपके साथ। और रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करना आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है। इसमें सोचना क्या, मस्त कॉन्टेंट मिलता रहेगा। माइक्रोमैक से शुरू कर लेते हैं बाकी सब पे जाने से पहले, क्योंकि भाई आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो ना इस समय, जो लेटेस्ट डालो चाहे पुरानी वाली भी, अगर आपके होम स्क्रीन पे जा रही है जो आपने नहीं देखी, वहां भी यही क्वेश्चन है भाई, माइक्रोमैक की वीडियो की अनबॉक्सिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई, आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी 101%, डोंट वरी। मल्टीपल टच वाला इशू है कुछ इसमें, वो भी आप लोग पूछे थे सॉफ्टवेयर अपडेट से सही होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे बहुत सारा सिंपल सी बात है कि लाइक वहां पर मैंने देखा, जो वीडियोस देखी है मैंने, मेरे पास तो फोन आएगा, मैं पूरा टेस्ट करूंगा। वहां पे ऐसा सिस्टम दे रखा 3 finger to swipe करके, मतलब स्क्रीनशॉट लेने का, और उस समय तो तीनों फिंगर्स काम करेंगे तभी तो स्क्रीनशॉट आएगा। तो वहां पर लाइक कुछ और इशू हो सकता है मे बी गेम के साथ या जो भी है, तो डेफिनेटली काफी हद तक चांस है ये सॉफ्टवेयर अपडेट से सही किया जा सकता है, जो भी है। आगे चलते हैं, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूज हो कि पिक्सल 4a लें जिसका बजट 30 के आसपास है, या फिर OnePlus Nord। तो OnePlus Nord का तो मैंने रिव्यू वगैरह सब कर दिया, मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पिक्सल 4a का कई लोग कहते हैं भाई आपने रिव्यू नहीं किया, वो भाई जो मैंने वीडियो दिया था लाइक वन डे वाला, वो रिव्यू था। वहाँ पे मैंने बैटरी के बारे में बात कर लिया, नेटवर्क के बारे में बात कर लिया, कैमरा के बारे में बात कर लिया, तो बचा ही क्या, पहले छोटा सा फ़ोन है, अब उसमें क्या क्या ढूंढेंगे। तो मैं आपको बड़ा क्लियर सा आंसर देता हूँ, इन दोनों फ़ोन में सच में कन्फ्यूज़न होती है। अब मैं होता तो मैं पिक्सल 4a बाय करता, लेकिन सच में मेरे फ्रेंड का भी फ़ोन आया था कल, भाई 30 में कौन सा फ़ोन लें, ये दो फ़ोन के नाम ले रहा था। मैंने उसे OnePlus Nord सजेस्ट किया, क्योंकि भाई मैं उसको जानता हूँ ना, वो कैसे फ़ोन चलाता है, जो भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्सल 4a स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़े से कई स्मार्टफोन यूज़ कर चुके हैं, मतलब वो मोक्स की तरफ जा चुका है। कहने का मतलब थोड़ी फनी लग रही होगी, बट यही तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, ट्रस्ट मी। जैसे मैं बहुत सारे फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ पिक्सल 4a की वैल्यू। शायद एक नॉर्मल यूज़र को दे दो, जो शायद 15,000 के फ़ोन यूज़ कर रहे, तो उनको भी पिक्सल 4a दे दोगे ना, वो कहेंगे शायद उनको ना पसंद आए मेजोरिटी ऑफ केसेस में। वहीं पे उनको नोट लगेगा 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, ग्लास बैक है, डिस्प्ले का साइज भी 6.4 इंच है, और इसमें क्या 5G वगैरह है ना, स्नैपड्रैगन 765G, और एक नॉर्मल यूजर ऐसे ही फोन बाय करता है। लेकिन पिक्सल 4a क्या, जैसे होता नहीं भाई मैं इतने काम करूंगा, लेकिन जैसे करूंगा अच्छे से कर दूंगा। जैसे कैमरे के बारे में बता चुका हूँ भाई, काफ़ी अच्छा कैमरा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो कलर्स है ना एकदम नेचुरल रखता है, एकदम ही नेचुरल, और कुछ मामले में तो हल्का सा ना थोड़ा कलर्स आपको कहीं कहीं फील हो सकता है, थोड़ा और बूस्ट होना जरूरी था कहीं कहीं, लेकिन उसको आप सिंपल सा एडिट वगैरह करके ये काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, उसका जो स्पीकर है डुअल स्पीकर जो है वो भी परफेक्ट है, हैप्टिक फीडबैक जो मिलता है वो भी परफेक्ट है, प्लास्टिक है बट मैट फिनिश के साथ, एक अलग सा ही प्लास्टिक लगता है, और एक यूनिक सा फोन है, मतलब जो चाहिए सब है, जो नहीं चाहिए कुछ नहीं। और शायद पिक्सल 4a में अपना प्राइमरी डिवाइस रखता कुछ दिन, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं अलग अलग स्मार्टफोन टेस्ट करता हूँ आपको पता, और ई सिम वगैरह जो है रजिस्टर कर दिया फिर तो हो गया ना वो, तो इसलिए मैं उसको प्राइमरी डिवाइस नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि मेरे बाकी काम रुक जाएंगे, मुझे स्मार्टफोन चेंज करना पड़ता है। बट नॉर्मल यूजर की तरह अगर मैं होता तो मैं 4a लेता, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, किन लोगों के लिए वो मैंने बताया, नहीं तो नॉर्मल सा यूजर होता शायद मैं भी नोड की तरफ चला जाता। उसी में अगली कन्फ्यूजन है, M51 ले लें कि ये Realme 7 Pro है, इसको ले लें क्योंकि अभी 20,000 के आसपास ऑफर में मिल रहा था M51। दोनों फोन नो डाउट काफ़ी अच्छे फोन है भाई। देखो इन डिस्प्ले स्कैनर मिलता है, Realme 7 Pro में ये थोड़ा मॉडर्न लगेगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी जाहिर सी बात है M51 के प्लास्टिक से बेटर है, इसका स्पीकर भी लाउड है Realme 7 Pro का, एंड काफ़ी हैंडी फोन फील होता है Realme 7 Pro, लाइट वेट है, परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो M51 को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो मैंने आपको दोनों में फ़र्क बता दिया, लेकिन कैमरे के मामले में M51 आगे निकल जाता है। UI आपके ऊपर है, ब्रांड आपकी पसंद पर है, सिंपल डिसीजन, कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं। और अगली कन्फ्यूजन में क्या जुड़ जाता है, गैलेक्सी A71 अभी बाय करे कि ना बाय करे भाई, क्योंकि ये वाला आंसर तो मैंने क्लियर दे दिया था कि M51 लेगी A71 ले, अगर बजट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रेट से, तो A71 लेना चाहिए।
लेकिन जो लोग इस टाइम पूछ रहे भाई A71 बाय करे कि नहीं करे, मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि भाई A71 की सीरीज अगली आने वाली है, A51 की भी आने वाली होगी। एग्जैक्टली डेट मुझे भी नहीं पता, जनवरी फरवरी तक वेट कर लो अगर जल्दी ना हो। मैं ज़्यादातर जल्दी कहता नहीं कि वेट कर लो, बट इस बार मैं कहना चाहूँगा तो वेट कर लो, मेरी सजेशन है, नहीं तो फिर आप बाय कर सकते हो। मैं होता तो वेट करता, क्या पता अगली सीरीज आती है A71 का प्राइस भी कुछ कम हो सकता है, या फिर मुझे पता भी लग जाएगा कि दोनों में बेहतर क्या है कैसे है, डिसीजन लेने में इजी होगा। और फिर वीवो का V20 आता है, लाइक इसके अंदर क्या है पूछ रहे काफ़ी सारे लोग, भाई रिव्यू नहीं किया आपने, इसका क्या है, लेना है नहीं लेना है। देखो आप लोग एक चीज़ याद रखना, रिव्यू मतलब होता है कि अपना प्राइमरी सिम डालता हूँ मैं उसके अंदर, 10-15 दिन तो कंटिन्यूस यूज़ करता हूँ। पिछले महीने इतने ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च हुए और मैं सिर्फ उन फ़ोन का रिव्यू करने में ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो ज़्यादा डिमांड पे रखते हैं आप लोगों के। नहीं तो फिर वो स्पेसिफिकेशन वाला रिव्यू होगा कि भाई इसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं मिलता, ये इसकी कमी है, प्लास्टिक बैग मिलता है, ये इसकी कमी है, इसमें क्या नहीं मिलता, कुछ तो होगा, हाँ इसमें 7000 mAh की बैटरी नहीं मिलती, ये इसकी कमी है। इस तरह से फिर मैं रिव्यू करना पसंद नहीं करता अपने चैनल पे, उस रिव्यू को मैं स्किप कर देता हूँ, इसीलिए ये वाली वीडियो आ जाती है। तो अगर आप V20 लेने के बारे में सोच रहे हैं, कैमरा वगैरह से दिक्कत नहीं आएगी, जिस रेट में आ रहा है ऑफलाइन बाय करना सस्ता पड़ जाता है, 22 के आसपास तक मिल जाते हैं, मुझे कुछ लोग बता रहे थे बड़ा सस्ता दे देते हैं वीवो ऑफलाइन में जाके, कम तो करवा के देखा करो। नॉर्मली आपको पता है कि वीवो प्रोसेसर वगैरह में से काफ़ी ज़्यादा कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर ऊपर से ये ग्लास बैग है वो भी ना काफ़ी डिफरेंस है, फ्रोस्टेड ग्लास टाइप, थोड़ा मैट फिनिश, थोड़ा शाइनी, बाकी लाइट वेट वगैरह तो आप जानते ही हो, सारा कुछ ये वीवो हमेशा बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पंच होल नहीं मिलता, तो 2019 वाला डिज़ाइन कह सकते हो आप, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं आई थी जितना मैंने यूज़ किया था। हाँ UI में एक दो बार हल्का सा मुझे जर्किनेस बहुत माइनर सा फील हुआ था। ओवरऑल अगर बात करूँ तो यस, इस फोन को लिया जा सकता भाई। SE वगैरह देख रहे हो किस रेट में आए और 665 दे रहे, तो इसको देखो आप, बिल्कुल अगर आप चाहो तो इसकी तरफ जा सकते हो। और अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो नोड के साथ मैं कहूँगा नोड ले लो फिर, अगर आपका बजट है तो। और फाइनल सजेशन तो ये, जो लोग वेटिंग लिस्ट में है ना कि क्या वेट करें या फ़ोन बाय कर लें, तो बहुत सारे फ़ोन अलग अलग रेट में एकदम से गिरने वाले हैं, लेकिन फरवरी मार्च तक रुकना पड़ेगा आपको, तो आप रुक सकते हो। मतलब कुछ अपकमिंग फ़ोन आने वाले हैं जिनको 5G वगैरह में भी इंटरेस्ट है भाई, वो भी आने वाले हैं। ये उनके लिए था जो लोग मतलब ऐसे अभी फ़ोन लेना चाहते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज थे। मैं चाहता ना ऐसे अलग अलग वीडियो दे सकता था टॉपिक वाइज, पर मैंने सोचा क्यों ना काफ़ी सारे व्यूअर्स की ना एक साथ ही मतलब सोल्यूशन सा मिल जाए आपको, और मुझे लगता मिला होगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया। और अगर इस कोशिश में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।